पेट पूजा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पालक, 2 टमाटर, 200 ग्राम पनीर, 6 चम्मच तेल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 स्टार एनिस, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक, 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 25 ग्राम हरा धनिया, 2 चम्मच घी, 3/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लहसुन और 1 बेलीफ। सबसे पहले एक पैन में दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार एनिस, लौंग और बेलीफ डालें। इन्हें 5 मिनट लो फ्लेम पर सेकें। सेकने से इन मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है और ऐसे फ्रेश बने हुए मसाले का टेस्ट भी बेहतरीन होता है। 5 मिनट के बाद इन्हें ग्राइंड कर लें। अब एक प्रेशर कुकर में पालक डालें। फिर इसमें हरी मिर्च, अदरक और टमाटर डालें और आधा कप पानी डालकर ढक्कन लगा दें। प्रेशर कुकर की 2 सीटी बजने तक इसे पका लें। 2 सीटी बजने के बाद पालक को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दें। ठंडा हो जाने के बाद इसे पीस लें। अब एक पैन में तेल गरम करें, फिर इसमें जीरा और लहसुन डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें और मिक्स करें। अब इसमें पिसी हुई पालक डालें। फिर इसमें सूखा धनिया पाउडर डालें और मिक्स कर लें। अब स्वादानुसार नमक डालें और ढक्कन लगाकर 1 मिनट कुक होने दें। फिर इसमें फ्रेश बनाया हुआ गरम मसाला डालें। मसाला मिक्स हो जाने के बाद इसमें पनीर डालें। फिर इसमें घी डालें और 5 मिनट ढक्कन लगाकर पकने दें। लीजिए, तैयार है पालक पनीर। इसे आप चपाती या जीरा राइस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें।